जिसके जीवन में नाम सवार हो जाता है, हृदय में नाम स्थापित हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने भजन करने वाला है या सामने कोई प्याला को लेने वाला है। अगर संघ का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो अभी आपका मामला हल्का है, अभी आपका मामला हल्का है। अपने जीवन में अपने आप को ऐसा बनाओ कि साहब आपको आप देख करके सामने वाले के रंग में ना ढल जाओ और आपको देख करके पूरा माहौल ही बदल जाए, साहब पूरा माहौल बदल जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जिस स्थान से, जिस जंगल से गुजरते थे, कहते हैं कि जिस घनघोर जंगल से हरिनाम की अविरल धारा कहते हुए गुजरते थे और उनकी अविरल धारा को श्रवण करके शेर उनके करीब आने का प्रयास करते थे, उनके ऊपर उनको खाने के लिए झपटते थे, जैसे ही महाप्रभु की समर्पण की मुद्रा को देखते हुए हरिनाम की उस अविरल धारा में बहते हुए मेरे श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन वो शेर चीता करते थे, तो खाने के खाते खाते आते हुए करीब आते हुए जो मारने के लिए आए थे वो महाप्रभु की मुद्रा देख करके उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, और वो भी शेर चीते नाना प्रकार के जहरीले जीव जंतु महाप्रभु जी के चारों ओर झुंड बना करके अपने हस्त कमल को मानो ऊपर करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करने लगते थे, शिष्य हो जाते थे।